हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गोविंद बारिक का पेज नंबर 30 और 31। ये दोनों पेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं पेज नंबर 30 से। इससे पहले वाले पेजेस अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने 29 पेजेस तक की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अभी तक आप लोगों ने वो वाले पेजेस नहीं पढ़े हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट मेरे चैनल के ऊपर। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला जो पेज है, 30th पेज। सबसे पहले क्या है, चतुष्पाद क्रम। जो चतुष्पाद हमने पढ़ा है, चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसका क्रम क्या है। क्रम मीन्स कि ऑर्डर वाइज कैसे है, आचार्य चरक ने सबसे पहले कौन सा माना है, उसके बाद कौन सा माना है, ठीक है, जो फोर है उनका ऑर्डर क्या है। तो आचार्य चरक जी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला है दैट इज भिषक, विच इज डॉक्टर ऑफ कॉज, और सेकेंड नंबर पे उन्होंने बोला है द्रव्य को, थर्ड है उपस्थता एंड फोर्थ है रोगी। यू कैन सी भिषक, उसके बाद है द्रव्य, देन उपस्थता एंड देन रोगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि सबसे पहले कौन सा माना है, भिषक माना है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे लास्ट कौन सा माना है तो आपको पता होना चाहिए रोगी माना है। और मेनली क्वेश्चन ऐसे आता है, दस भिषक द्रव्य उपस्थता रोगी, भिषक उपस्थता द्रव्य रोगी, ऐसे करके लिखा होता है ऑप्शन में, और आपको पता होना चाहिए कि सही क्रम क्या है। उसके बाद है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सा बोला है, वैद्य, ठीक है, सबसे पहले बोला है वैद्य, व्याध्य उपसृष्ट वेशजम परिचारक, ठीक है, सबसे पहले बोला है वैद्य। उसके बाद क्या बोला है, सेकेंड नंबर पे उन्होंने बोला है रोगी को, ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या बोला है, उपस्थता को, एंड फोर्थ पे विच इज लास्ट उन्होंने बोला है औषध को। तो आचार्य शिशु जी ने इस प्रकार से बोला है, जो भेल है उन्होंने भिषक को लास्ट में माना है, ठीक है, भिषक को सब पहले मान रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आचार्य भेल जो है वो भिषक को सबसे लास्ट में मान रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट में किसने माना है, तो भेल ने माना है, राइट। नेक्स्ट इज बल का अनुमान। तो बल का अनुमान जो है वह आचार्य चरक ने बोला है कि आप लोग व्यायाम से लगा सकते हो। अगर कोई जाना जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर पा रहा है तो यू कैन से कि हाँ इसमें बल ज़्यादा है, ठीक है, व्यायाम से पता करवा सकते हो। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि व्यायाम और स्थिरता, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो कर लेता है लेकिन स्ट्रेंथ उसमें बिल्कुल नहीं है, वेट्स नहीं कैरी कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी उसकी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों से बोला है आचार्य सुश्रुत ने, व्यायाम प्लस स्थिरता से, जबकि आचार्य चरक ने सिर्फ व्यायाम से ही बोला है कि हम लोग बल का अनुमान लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत संदर्भ है, ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है, इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु मतलब, इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का ट्रीटमेंट ना किया जाए उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि अगर ट्रीटमेंट इसका नहीं किया गया तो मृत्यु हो जाएगी, और अगर ट्रीटमेंट कर लिया गया तो जो है, जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो ठीक हो जाएगी। ये बोला है आचार्य चरक ने सन्निपातक उदर के लिए, आचार्य सुश्रुत ने बोला है अश्मरी के लिए, और आचार्य हारित ने बोला है जलोदर के लिए, राइट। क्या बोला है इन्होंने कि अगर हम लोग इन डिजीजेस की क्रिया नहीं करते हैं तो मृत्यु हो जाएगी पेशेंट की, और अगर क्रिया करते हैं, चिकित्सा की जाती है टाइम पर, तो इन डिजीजेस को ठीक भी किया जा सकता है, राइट। तो ये बोला गया है, चार्य चरक ने बोला है सन्निपातक उदर में, सुश्रुत ने बोला है अश्मरी में, हारित ने बोला है जलोदर के लिए, राइट। नेक्स्ट है फलों में श्रेष्ठ। तो फलों में जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है वो आचार्य चरक बोले हैं द्राक्षा, जो द्राक्षा है उसको श्रेष्ठ बोल रहे हैं आचार्य चरक, जबकि जो सुश्रुत है वो अमलकी को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, और भागवत जो श्रेष्ठ बोल रहे हैं वो द्राक्षा को। तो बेसिकली जो चरक और भागवत है दोनों ने द्राक्षा को ही श्रेष्ठ बोला है, जबकि सुश्रुत ने बोला है आमलकी को, ये पता होना चाहिए, राइट, कि श्रेष्ठ फल कौन सा है। नेक्स्ट है विलेपी बहुस कित्ता सियाद यवागुर विल त्रवा, ये किसने बोला है, सुश्रुत ने। इसका मतलब ये है कि जो विलेपी है वो ज़्यादा सॉलिड होती है, जबकि जो यवागु है वो विलेपी के कंपैरिजन में थोड़ा लिक्विड होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बोला है, जबकि आचार्य शारंगधर ने बिल्कुल ही उल्टा बोला है, उन्होंने बोला कि जो यवागु है वो थोड़ा सॉलिड होता है और जो विलेपी है वो
सोयुवागु से ज्यादा लिक्विड होती है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो विलेपी को बहुस्किता किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने, जबकि युवागु को बहुस्किता कौन बोला है, आचार्य शरणधर। दोनों का जो डिफरेंस है मानने का वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लोम। तो आपको पता होगा क्लोम वर्ड जो है उसके लिए आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि जो क्लोम है वो किसको बोला जाता है, क्लोम एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि क्लोम एक्चुअल में है क्या। तो बात ये है कि डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए क्लोम वर्ड का यूज़ किया है, एक पर्टिकुलर चीज़ को सभी ने क्लोम नहीं बोला। जैसे कि आचार्य गंगाधर जी ने फुसफुस और अंडूक के लिए क्लोम वर्ड का यूज़ किया है, चक्रपाणि जी ने हृदय के लिए यूज़ किया है क्लोम वर्ड का, देन जो डलहन है उन्होंने पित्ताशय के लिए किया है, गंगानाथ सेन जी ने कंड नाड़ी और श्वास नाड़ी के लिए यूज़ किया है क्लोम वर्ड का। तो ये जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं सारे, हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्लोम क्या होता है पता नहीं चलता, तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से आचार्य ने क्या इसको बोला है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको समझेंगे, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि क्लोम क्या होता है। नेक्स्ट इज पांग बिहत। तो इसमें क्या बोला है, सुश्रुत ने बोला है वात का प्रकोप हो जाता है। और नेक्स्ट है शंका विष। तो शंका विष के लिए चरक ने बोला है कि वात का प्रकोप हो जाता है, मतलब इसमें कौन से दोषों का प्रकोप रहता है, वात का प्रकोप रहता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डर जाता है सर्प की वजह से भी, और शंका विष इज ऑल्सो द सेम, ठीक है, कि उसको शंका है, उसको नहीं पता लेकिन वो डर उतना ही जाता है, उसी लेवल का डर होता है। तो जहां पे भी डर होता है वहां पर वात की वृद्धि होती है, ये तो पता ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वात का प्रकोप है। वात के प्रकोप के पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया, डर की वजह से वात का प्रकोप प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट इज सर्प विष आचूषणार्थ। जो सर्प विष है अगर स्नेक ने बाइट कर लिया है तो जो पॉइजन है उसको सब करने के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, तो चरक ने बोला है कि मुंह में मिट्टी या फिर आटा भर के आप लोग जो वायजन है उसको सब कर सकते हो, जबकि ये चीज बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है आजकल के दिनों में, बिल्कुल भी इसको प्रैक्टिकली हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन चलिए बोला गया है तो वो हमें पढ़ना है कि चरक ने मुंह में मिट्टी और आटा भर करके बोला है, और सुश्रुत ने मुख में वस्त्र को भर करके उसको सक करने के लिए बोला है, जो कि पॉइजन इंसर्ट हो गया है, राइट। नेक्स्ट इज नवायस लो का रोग अधिकार। जो नवायस लो है आचार्य चरक ने पांडु के लिए बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने नवायस लो को यूज करने के लिए बोला है प्रमेय पीड़िका में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवायस लो का जो रोग अधिकार है वो चरक ने पांडु बोला है, और सुश्रुत ने क्या बोला है प्रमेय पीड़िका। नेक्स्ट है महास्नेह। तो जो महास्नेह है उसमें कौन कौन से आते हैं ये आपको भी पता है, चार आते हैं, सर्पी तैल वसा मज्जा, सर्पी तैल वसा मज्जा, दीज आर फोर अंडर द महास्नेह। उनका यूज कहाँ पे होता है, कौन से वाले का, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है जो सर्पी, ठीक है, सर्पी को हम लोग यूज करते हैं पित्त अनिल हर, ठीक है, पित्त और वात को हरने के लिए। देन रस शुक्र औज साम हितम, जो रस और शुक्र औज है इनके लिए अच्छा होता है, इनको इंक्रीज करता है। निर्वापनम, निर्वापन करता है, मृदुकर करता है, ठीक है, मृदुकर होता है, हमारी बॉडी में सॉफ्टनेस लाता है, और साथ में स्वर वर्ण प्रसादक, ठीक है, हमारा जो वॉइस है, हमारा जो बॉडी का टेक्सचर है, वर्ण है, उसको ये प्रसादित करता है, उसको अच्छा बना देता है। तो क्या है, स्वर्ण वर्ण प्रसादक। नेक्स्ट इज तैल। जो तैल है वो वातशामक है लेकिन कफ वर्धक नहीं है, ठीक है, वातशामक है लेकिन कफ को भी नहीं बढ़ाता, बलवर्धक है, ठीक है, बल को बढ़ाएगा, त्वचा है, स्किन के लिए अच्छा होता है, ऊष्मा भी मास को स्थिर करने वाला, एंड योनि विशोधक। जो योनि विशोधक है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि योनि विशोधक जो है वो कौन से महास्नेह का जो प्रयोग है, तो योनि विशोधक हम लोग किसको मानते हैं, तेल को। जो तेल है उस वो क्या होता है, योनि विशोधक होता है। नेक्स्ट इज वसा। वसा क्या है, वसा विद्ध एवं भगन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, अगर कोई भी फ्रैक्चर हो गया है पेशेंट को तो उसको हम लोग वसा का इनटेक के लिए बोलते हैं। देन योनि भ्रंश, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योनि भ्रंश के लिए किसको यूज़ किया जाता है, वसा को, लेकिन योनि विशोधक के लिए किसको यूज़ किया जाता है, तेल को।
अभी ये वसा है, तो वसा में कर्ण वे शिरा शूल नाशक है। अगर आपके कान में जहाँ हेडेक हो रहा है तो वसा का इंटेक कर सकते हैं। पुरुषार्थ वृद्धि हेतु होता है, पुरुषार्थ वृद्धि के लिए वसा ले सकते हैं। वे नित्य व्यायाम करने वाला जो पुरुष है वो वसा ले सकता है। वसा क्या है? वसा बेसिकली फैट्स के लिए बोला गया है कि जो डेली व्यायाम करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो फैट्स का जो यूज है, ज़्यादा इंटेक है। ज़्यादा एक्सेस में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो फैट्स का इंटेक है वो उनके लिए अच्छा है जो कि डेली एक्सरसाइज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मज्जा। जो मज्जा है उसके लिए उन्होंने बोला है, बल शुक्र रस श्लेष्मा मेधा वे मज्जा का वर्धन करने वाला। तो चार तो हमारी धातुएं ही हैं जिनको मज्जा जो है वो इंक्रीज करता है। कौन कौन सी है? रस शुक्र मेध वे मज्जा, और साथ में बल और कफ इनको भी बढ़ाता है। कौन? मज्जा। तो ये देख लीजिए आप, रस और शुक्र को सर्पी भी बढ़ा रहा है, रस और शुक्र को मज्जा भी बढ़ा रहा है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है। उधर से योनि विशोधक जो है वो तैल में है, योनि भ्रंश जो है वो वसा में है। तो ऐसे करके बहुत इजी है ये, इसमें कुछ टफ नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है। एक एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि योनि विशोधक, योनि भ्रंश का मैंने बताया, या फिर नित्य व्यायाम करने वाले जो पुरुष हैं वो कौन सा महास्नेह ले सकते हैं, तो वो वसा ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन भी आपको आता है, ठीक है। तो ये हो गया पेज नंबर 30 कंप्लीट। अभी पढ़ते हैं पेज नंबर 31। इन बिटवीन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए 31 पेज देखते हैं। चलिए, सो दिस इज पेज नंबर 31। तो पेज नंबर 31 में सबसे ऊपर जो दिया हुआ है वो है महास्नेह का प्रयोग अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अभी अभी हमने अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो सबसे पहले क्या है? सर्पी। तो सर्पी के लिए इन्होंने बोला है, विशार्त हीन बुद्धि वे वात पैतिक विकारों में उपयोगी। सुश्रुत ने सर्पी को वात और पैतिक विकारों में उपयोगी बताया है। चारे चरक ने किसमें बताया था? उन्होंने भी सेम बताया था कि पित्त अनिल हरम, पित्त वात और पित्त के लिए बोला था चारे चरक ने भी, और यहाँ पे भी बोला है सुश्रुत ने भी वात और पित्त के लिए, ठीक है। साथ में विशार्त और हीन बुद्धि वाले जो हैं उनके लिए अच्छा माना है चार्य सुश्रुत ने सर्पी को, राइट। नेक्स्ट इज तैल। तैल के लिए बोला है, उव्यसन कफ मेद वे कृमि कोष्ठ में उपयोगी। जो कृमि कोष्ठ है, जिसके कीड़े हैं, ठीक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है तैल के लिए इन्होंने बोला है कि अच्छा होता है। नेक्स्ट है वसा। जो वसा है वो उसका क्या है? तीव्र अग्नि वाले, ठीक है, जिनकी अग्नि तीव्र है, जो हैवी चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो, या फिर वायु ही जिसका प्राण है, ठीक है, वायु ही किसका प्राण है। देखो मैंने व्यामी लिखा हुआ है, तो आप भी व्यामी लिख लीजिए, वायु ही जिसका प्राण है, ऐसे लोगों में उपयोगी। चार्य चरक ने भी बोला है कि व्यायाम करने वालों में वसा का इंटेक होना चाहिए, और आचार्य सुश्रुत भी बोल रहे हैं कि वायु ही जिसका प्राण है वो वसा का इंटेक कर सकते हैं, तो वो कौन होते हैं? व्यामी लोग। तो तीव्र अग्नि वाले और वायु ही जिसका प्राण है, ऐसे लोगों में क्या उपयोगी है? वसा उपयोगी है। नेक्स्ट इज मज्जा। जो मज्जा है वो क्रूर कोष्ठ एवं वातज विकारों में उपयोगी होता है, ठीक है। अगर किसी का कोष्ठ जो है वो क्रूर है, कितने प्रकार के कोष्ठ होते हैं ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोष्ठ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रूर कोष्ठ के लिए मज्जा का बोला है, लेकिन जो टोटल टाइप्स ऑफ कोष्ठ हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। तो ये हो गया मज्जा। जो मज्जा है उसका क्रूर कोष्ठ एवं वातज विकारों में उपयोगी होता है। अगर वातज प्रॉब्लम है किसी को, या फिर क्रूर कोष्ठ वाला पेशेंट है, तो उसको हम लोग मज्जा का इंटेक करने के लिए बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रोग अनुसार स्नेह पाक का प्रयोग। अकॉर्डिंग टू रोग जो है, हम लोग कौन से रोग में कौन सा स्नेह पाक दे सकते हैं ये हमें बताना चाहिए। जो मृत्यु पाक है इसको चरक ने बोला है कि नस्य में यू कैन टेक, और जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि मृत्यु पाक को हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। जो स्नेह पाक है, जो वो मृत्यु वाला है, तो उसको हम लोग पान कर सकते हैं। देन अगर मध्य पाक है तो चरक ने बोला है कि मध्य पाक स्नेह को हम लोग पान कर सकते हैं और वस्ती के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि सुश्रुत ने बोला है नस्य और अभ्यंग के लिए यूज किया जा सकता है। खर पाक के लिए बोला है कि अभ्यंग के लिए यूज करेंगे चारे चरक ने बोला है, जबकि सुश्रुत ने बोला है वस्ती और कर्ण पूरण के लिए यूज करते हैं।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि अगर आचार्य रिलेटिवली पढ़ेंगे कि अगर आचार्य चरक ने नस्य के लिए मृदुपाक को बोला है तो आचार्य सुश्रुत ने नस्य के लिए मध्यपाक को बोला है, ठीक है। अगर आचार्य चरक ने मध्यपाक में वस्ती बोली है तो आचार्य सुश्रुत ने खरपाक में वस्ती बोली है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रिलेटिवली भी पता होना चाहिए। अभ्यंग का भी सेम है, रिलेटिव दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है और पान में भी दोनों का डिफरेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शारंगधर ने मध्यपाक स्व सर्व कर्म हेतु उपयोगी बताया है, शेष चरक वक्त ही कहा है। तो ये आचार्य शारंगधर जी के अकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला है कि जो मध्यपाक है, ठीक है, जो मध्यपाक वाला है उसको हम लोग हर एक जगह पे यूज करते हैं, सर्व कर्म के लिए यूज कर सकते हैं। और बाकी सारा कुछ उन्होंने चरक के अकॉर्डिंग ही बताया, जैसे कि मृद्युपाक में नस्य, खर पाक में अभ्यंग, ये चीज़ सेम है शरंगधर के अकॉर्डिंग भी, लेकिन मध्य पाक के लिए उन्होंने सिर्फ पान और वस्ती नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि सर्व कर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्नेह सिद्धि के लक्षण। अब हम लोग अगर स्नेह को गर्म कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिद्ध हो गया है, इसका पाक जो है वो हो चुका है, तो कैसे पता चलता है? यहाँ पे करेक्शन सबसे पहले आपको कर लेनी है, जो शारंगधर और चरक के हैं वो सेम नहीं है, जो सुश्रुत और शारंगधर के हैं वो सेम है। यहाँ पे बहुत ही गलत ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि एग्जाम में अगर शारंगधर के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आप लोग शारंगधर को चरक के साथ नहीं बल्कि सुश्रुत के साथ पढ़ेंगे, तो वो दोनों के सेम है। तो फेन आगम, अगर जो फेन है, जब भी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग घी को या फिर तेल को जब भी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर फेन आ जाता है, ठीक है, एक झाग सी बुलबुले से आ जाते हैं। तो अगर वो आ गया है, आप लोगों ने घी को गर्म करने रखा, अगर वो झाग ऊपर आ गई है तो मतलब सर्पी की सिद्धि हो गई है, ऐसा आचार्य चरक ने बोला है। लेकिन अगर फेन जो है वो आकर के शांत हो गया है, ठीक है, पहले ही नहीं मान लेना कि आया ही नहीं है, तो आप मान लो कि यार ये तो शांति है, ये तो तहल सिद्धि हो गया, नो, पहले वो आ जाना चाहिए। आ जाने के बाद जब वो शांत हो जाएगा फेन, देन आप मानोगे कि तहल सिद्धि हो गया है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। लेकिन आचार्य सुश्रुत और शारंगधर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अपोजिट है, उन्होंने बोला है अगर फेन आ गया है तो तैल की सिद्धि हो गई है, अगर फेन शांत हो गया है तो सर्पी की सिद्धि हो गई है, ऐसा आपको मानना है। तो आप लोग एक का याद कर लीजिए चरक का, और फिर शारंगधर और सुश्रुत का एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है, तो वो आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट इज गर्भ का मास अनुमासिक विकास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखे होंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, गर्भ का जो मास अनुमासिक विकास है। उस मास में तो हम लोगों को दोनों का सिंपल सा याद रह जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, कि सुश्रुत ने तो सीधा ही बोला है कलल रूप, ठीक है, चरक ने क्या बोला है खेट भूत सत्व असत रूप। आई नो इसमें आपको कुछ नहीं होगा, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, याद रहेगा। सेकेंड मास में क्या है, सेकेंड मास में आचार्य चरक ने बोला है धन स्वरूप, ठीक है, अगर वो धन है तो पुरुष है, अगर पेशी जैसा है तो स्त्री है, और अगर अर्बुद जैसा दिखता है तो नपुंसक हो सकता है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि सेकेंड मास में महाभूतों का पाक होता है, ठीक है, एक तो ये हो गया एडिशनल, प्लस जो आचार्य चरक ने बोला है वो सेम बोला आचार्य सुश्रुत ने, धन अर्बुद पेशी स्वरूप। तो डिफरेंट क्या है, महाभूतों से पाक ये बोला है, बाकी जो है वो सेम है आचार्य चरक जैसा द्वितीय मास में सुश्रुत का, ठीक है। देन तृतीय मास में क्या है, चरक ने बोला है सुख दुख की वेदना, जो बच्चा है उसको जो पेन्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, कि पेन की सेंस उसमें आ जाती है, तो सुख दुख की वेदना उसको पता होने लग जाती है, दो हृदय हो जाता है, दो हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो हृदय है वो चार्य चरक ने थर्ड मास में बताया है। सर्व इंद्रियां एवं सर्व अवयवों की उत्पत्ति, ऑफ कोर्स सर्व इंद्रियां उत्पन्न होंगी तभी उसकी स्किन की जो सेंस उत्पन्न होगी तभी उसको सुख और दुख जो पेन्स हैं वो महसूस हो पाएंगी। देन स्पंदन जो है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दो हृदय है तो स्पंदन भी, जो हार्ट की अगर ओरिजिन हो गया है तो स्पंदन भी उत्पन्न हो जाएगा। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम लोग दो हृदय क्यों बोल रहे हैं, तो दो हृदय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मास में बच्चे का भी जो हृदय है हार्ट है वो ओरिजिनेट हो जाता है, तो इसलिए जो मदर है उसका एक हृदय हो गया, एक हृदय
एक हृदय हो गया बेबी का, तो इसीलिए जो प्रेगनेंसी है उस मंथ को हम लोग बोलते हैं कि अब से जो नारी है ये दो हृदयों वाली हो गई है, इसमें दो हृदय हैं, ठीक है, इसीलिए दो हृदय बोला जाता है। नेक्स्ट है कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है तृतीय मास में, उन्होंने बोला है हस्त पाद सिर वे पंच पिड़कों का निर्माण, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म। तो ये इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो ओरिजिनेट होने शुरू हो जाते हैं, हस्त पाद सिर और पंच जो पीड़क हैं वो, और जो सारे के सारे उसके अंग प्रत्यंग हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है, विभाग जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऑर्गन्स के लिए मेनली बोला है आचार्य सुश्रुत ने मास थर्ड में। देन चतुर्थ मास में चरक ने बोला है कि गर्भ की स्थिरता बढ़ती है, ठीक है, उसका जो वहाँ पे अटैचमेंट है डेसिडुआ के साथ, जो मदर की यूट्रस वॉल है उसके साथ उसकी जो स्थिरता है वो बढ़ती है, और गर्भिणी का शारीरिक भार बढ़ जाता है, ठीक है, उसका जो वेट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सुश्रुत ने बोला है गर्भ हृदय व चेतना का प्रादुर्भाव, तो मेनली हृदय जो है उसका ओरिजिनेशन चरक सुश्रुत ने कब बोला है, फोर्थ मास में। चरक ने तो बोला है थर्ड में, सुश्रुत ने बोला है फोर्थ में, और उन्होंने बोला है गर्भिणी को दो हृदय संज्ञा दे दी जाती है, अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त। उस पहले उन्होंने क्या बोला था कि अंग प्रत्यंग का जो विभाग है वो सूक्ष्म है, लेकिन यहाँ पे आता आता प्रव्यक्त हो गया है। अब अच्छे से जो वो जो विभाग है, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट इस पंचम मास में जो चारे चरक हैं उन्होंने बोला है गर्भ के मास व रक्त की अधिक वृद्धि होती है, ठीक है, गर्भ जो बेबी है उसका मास और रक्त जो है वो बढ़ता जाता है, और जो गर्भिणी है वो क्रेश होती जाती है, क्योंकि जो बच्चा है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है तो मदर को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो इसीलिए जो बेबी है उसका मास और रक्त जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा जो माँ है उसका जो गर्भिणी है वो क्रिच हो जाएगी, राइट। सुश्रुत ने पंचम मास में क्या बोला है, मन प्रतिबुद्धरम भवति, मतलब जो उसकी बुद्धि है जो उसका मन है बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो कब मानी है आचार्य सुश्रुत ने, फिफ्थ मास में। नेक्स्ट इस षष्ठ मास में आचार्य चरक बोल रहे हैं बालक के बल वर्ण आदि की वृद्धि होती है, उसका बल बढ़ता है वर्ण बढ़ता है, और गर्भिणी का जो बल और वर्ण है वो कम हो जाएगा। पहले मैंने आपको बोल दिया न्यूट्रिशन अगर बेबी ज़्यादा खींच रहा है तो वो माँ से ही कम होगा, तो बालक का बल वर्ण बढ़ जाएगा लेकिन गर्भिणी का बल और वर्ण कम हो जाता है। सुश्रुत ने बोला है षष्ठे बुद्धि, अब आपको पता है उन्होंने फिफ्थ में बोला था मन और बुद्धि, जबकि सिक्स्थ में बोला है अकेला बुद्धि बोला है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धि की डेवलपमेंट कब होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग छठे मास में होती है, जबकि मन और बुद्धि का पूछ रहे हैं तो फिर फिफ्थ में आएगा, राइट। नेक्स्ट इज सप्तम मास। सप्तम मास में क्या है, आचार्य चरक ने क्या बोला है सेवन मास में कि जो गर्भ है वो संपूर्ण भावों से पुष्ट हो जाता है, और गर्भिणी के लिए क्या बोला है कलांततम, ठीक, जबकि सुश्रुत ने बोला है सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त तरह। अब अच्छे से जो हर एक ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, ऑर्गन्स बन चुके हैं, ऐसा सुश्रुत ने बोला है कि सप्तम मास में हो जाता है, और काश्यप ने बोला है गर्भ त्रिदोष युक्त, जो गर्भ है वो तीन दोष युक्त वात पित्त कफ का ओरिजिनेशन जो है वो उसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेवेंथ मास तक यहाँ पे है, देन नेक्स्ट जो है एट्थ नाइन्थ में वो नेक्स्ट पेज के ऊपर हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए मैंने आपको जो दिया है कि आपको पता करना है वो ये है कि कोष्ठ कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।